guys, welcome back to my channel. If this is the first time you are watching me on YouTube, hi, my name is Shivani. I create videos related to fashion, beauty, DIY and many more. तो मैं काफी टाइम से ये एथनिक ज्वेलरी हॉल वीडियो बनाना चाहती थी एंड फाइनली आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अब मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली चीजें इकट्ठी कर ली है इस वीडियो में दिखाने के लिए, जो मैं अभी से नहीं काफी टाइम से इकट्ठी करती आ रही हूँ। मुझे काफी ज्यादा शौक है एथनिक ज्वेलरी का, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये क्विक वीडियो बनाई जाए जहां पर मैं आपको मेरे मोस्ट फेवरेट एथनिक ज्वेलरी दिखाऊंगी जो आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं। एंड इंडिया में थ्रू आउट द कोई ना कोई फंक्शन चला रहता है, तो चाहे तो वेडिंग हो, पूजा हो, या फिर आपका कॉलेज का कोई फंक्शन हो, या फिर आपको डेली के लिए कोई ज्वेलरी पहननी है कॉलेज के लिए, तो उसके लिए ये एप्रोप्रिएट ज्वेलरी होंगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स हॉप राइट इनटू द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड लव टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब डाउन बिलो एंड हिट दैट बेल आइकन नियर द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डू नॉट मिस माय एनी अपकमिंग वीडियो। फर्स्ट हम करेंगे मेरा फेवरेट सेट। इसमें ये वाली चांद बाली वाली इयररिंग्स है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी मेरी प्रीवियस रील में, एंड काफी लोग पूछ रहे थे कि ये इयररिंग्स कहां से है। तो ये एक्चुअल में फ्लिपकार्ट से मैंने बाय किया और बहुत ही प्रीटी ये सेट है। इयररिंग्स प्लस मान टिक्के का सेट है और इसमें ये बहुत ही प्यारी चांद वाली वाली इयररिंग्स मिल जाती है जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आपके गर्दन तक आती है और बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगती है। एंड सेम यही चांद वाली वाली इयररिंग सेट है और ये मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगता है क्योंकि ये मैंने गोल्डन कलर में बाय किया है, तो ये मोस्टली एथनिक ड्रेस, साड़ी या लहंगा सबके साथ ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगता है ये वाला सेट। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेट है और ये बहुत ही कम प्राइस पे फ्लिपकार्ट पे मिल रहा था, तो तब मैंने ये बाय किया था। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये इसका प्राइस क्या है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन पे भी मैंने पिन किए होंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे ये चोकर सेट के बारे में। तो ये बहुत ही प्रीटी क्रिस्टल एंड पर्ल डिटेलिंग वाला चोकर सेट है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ये मैंने लास्ट टाइम अपनी दीदी की शादी को पहना था ब्लैक साड़ी के साथ, जो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहा था। एक ब्लैक साड़ी के साथ ये एक स्टेटमेंट पीस है, प्लेन ब्लैक साड़ी के साथ, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। सेम इसके साथ आपको ये इयररिंग्स मिलते हैं इसी के साथ पे, सेम क्रिस्टल एंड पर्ल डिटेलिंग के इयररिंग्स जो बहुत ही प्रीटी हैं और मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। छोटे से इयररिंग्स हैं, तो कभी अगर आपको विदाउट चोकर भी पहनना है तो भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। नॉर्मल अगर आपको कॉलेज के लिए किसी फंक्शन के लिए पहनना है तो आप ये नॉर्मल इयररिंग्स पेयर अप कर सकते हैं अपने ड्रेस के साथ, सूट के साथ, अनारकली के साथ, बहुत ही प्रीटी इयररिंग्स है। एंड इसी के साथ आपको ये मान टिक्का मिल जाता है जो बहुत ही प्यारा लगता है। एज यू कैन सी हेयर, सिर्फ ये मान टिक्का पूरा लुक एलिवेट कर देता है और मुझे बहुत ही पसंद है ये क्रिस्टल वाली डिटेलिंग, लेकिन बहुत ही ज्यादा चमकती है और बहुत ही सुंदर लगती है, स्पेशली अगर आपको शादी में बारात में पहनना है तो ये परफेक्ट सेट होगा। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे इयररिंग्स वाले सेक्शन में। तो मैं अपने मोस्ट फेवरेट इयररिंग्स से स्टार्ट करूंगी जो मैंने अभी पहने हुए हैं। तो ये है बहुत ही प्यारे ऑक्सीडाइज इयररिंग सेट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारे ये मिरर वर्क हो रखा है, प्लस साथ में आपको ये व्हाइट कलर के मोती वाला वर्क भी दिख जाएगा और ऊपर से ये एक स्टेटमेंट इयररिंग्स है। इसके साथ आपको कोई भी नेकलेस या मान टिका पहनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप ये इयररिंग्स पहनेंगे तो एकदम आपका लुक एलिवेट हो जाएगा और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इनकी लेंथ बहुत अच्छी है, प्लस ये बहुत लाइट वेट है। अगर आपको लग रहा होगा ये भारी है तो ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, ये बहुत लाइट वेट है और ऑक्सीडाइज है, तो इसलिए आपके किसी भी कलर की ड्रेस के साथ, लहंगे के साथ, साड़ी के साथ, सबके साथ बहुत ही प्रिटी लगेंगे। तो ये 3 का सेट लिया था मैंने और ये मैंने मीशो से बाय किया था, तो बहुत ही कम रेट का पड़ा मुझे एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट और Amazon पे भी ये 3 का सेट अवेलेबल है, बट उधर थोड़ा कॉस्टली है, बट मीशो पे मुझे बहुत ही कम प्राइस का मिला। और एज यू कैन सी है बहुत ही नाइस ये इयररिंग सेट है, बट इसमें क्या हुआ था कि ये वाला जो एक इयररिंग है वो मेरा टूट गया था जब मैंने मीशो से बाय किया था, इसलिए मुझे फिर से एक्सचेंज करके बाय करना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था ये इयररिंग सेट, तो मैं डेफिनेटली बाय करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक्सचेंज करके फिर से मंगाया और अब ये बहुत ही अच्छा पीस आया था।
जो मैंने दिवाली के टाइम पे मंगाया था वो बहुत ही प्रीटी है। तो इसके साथ जैसे मैंने बोला 3 पीस का सेट है, तो इसके साथ जो 2 अदर इयररिंग है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट आपको इसी के साथ ये वाला सेट मिल जाता है, सेकंड जो सेट है वो ये वाला है। तो अगेन ये भी ऑक्सीडाइज एयरिंग है, बट इसमें आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, नीचे भी आपको कलर्स और घुंघरू देखने को मिलेंगे और ऊपर भी कलर देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत प्रिटी सेट है। इनकी भी लेंथ सेम इसकी तरह लंबी है, एज यू कैन सी है, लंबी लेंथ के एयरिंग है, बहुत ही प्रिटी है। तो ये अगर आप ब्लैक सूट के साथ या व्हाइट सूट के साथ पहनते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेगा। सो जो नेक्स्ट 3rd इयररिंग है वो ये वाले एयरिंग है। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा डिजाइन, पीकॉक फेदर वाला डिजाइन है, और साथ ही साथ इसमें और भी ज्यादा लंबे घुंघरू वाले एयरिंग है, लटकन है, तो ये झूमर वाली एकदम वाइब देता है और मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और ये इसकी लेंथ तो और भी ज्यादा लंबी है, बट अगेन ये भी बहुत लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है और मुझे काफी ज्यादा पसंद है सिल्वर एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, और मैं मोस्टली वही ज्वेलरी लेती हूँ जो मेरे मोस्टली कपड़ों के साथ चल पड़े, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे सिल्वर या गोल्डन इयररिंग्स। सो या ये 3 इयररिंग्स का सेट है जो आपको इतने कम प्राइस पे मिल रहा है, आपको स्क्रीन पे प्राइस दिख रहा होगा, तो बहुत ही प्रीटी इयररिंग्स का सेट है और ये मैंने मीशो से बाय किया है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट इयररिंग है वो है ये झुमका इयररिंग्स, जो बहुत ही प्रीटी गोल्डन एंड पर्ल व्हाइट डिटेलिंग में है। तो ये बहुत ही प्यारी इयररिंग्स है जो आप नॉर्मल कॉलेज के लिए भी पहन सकते हो, या फिर आपके घर में कोई डे में पूजा है तो आप सूट के साथ ये बहुत ही प्यारी स्मॉल इयररिंग्स पहन सकते हो। अगर आपको कोई जीन्स के साथ कुर्ती पहननी है तो उसके साथ भी ये इयररिंग्स बहुत ही प्रीटी लगेंगे, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, ये इयररिंग बहुत ही प्रीटी है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट इयररिंग की तरफ। सो ये है ब्यूटीफुल ग्रीन डिटेलिंग वाली इयररिंग्स, लाइक ग्रीन पर्ल्स हैं इसमें और गोल्ड का ये पूरा इयररिंग है। तो ये इयररिंग मैंने 1-2 साल पहले बाय किए थे मेरी दीदी की शादी के लिए, और मैंने ये मेहंदी पे पहने थे क्योंकि इसमें छोटी सी ग्रीन पर्ल डिटेलिंग है, तो मुझे ग्रीन डिटेलिंग का कुछ इयररिंग्स चाहिए था, स्टेटमेंट इयररिंग, तो तब मैंने ये वाली इयररिंग्स बाय की थी जो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, और इसमें ये ग्रीन पर्ल्स तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। तो ये वाली इयररिंग्स ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्ल्स डिटेलिंग मिल जाएंगी, और इनकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, एज यू कैन सी है नेक तक आते हैं, तो बहुत ही प्यारी इयररिंग्स है। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे मेरे फेवरेट पार्ट पे जो है नोज रिंग, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत ही प्यारे ये नोज रिंग पहना है, नोज स्टड। तो अगर आपका नाक नहीं छिदा हुआ है तो आप ये वाला कुछ स्टड ट्राई कर सकते हो, और ये बहुत ही प्रीटी लगता है। एंड ये मैंने लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे बाय किया था क्योंकि बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा था ये वाला स्टड, तो इसका ये पूरा पैक मिलता है, एज यू कैन सी है, तो ये मैंने पैक खोला हुआ है, तो ये सिंगल नोज रिंग नहीं मिलता है, इसका पूरा ये पैक मिलता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की नोज रिंग है, एज यू कैन सी है, आपको इधर फ्लावर वाला डिजाइन, लोटस वाला डिजाइन मिल जाता है, फ्लावर वाला डिजाइन मिल जाता है, और बाकी भी लाइक डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन मिल जाते हैं, तो बहुत ही प्रिटी नोज रिंग है। एंड इनमें से एक मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ, ये लोटस वाला दिखा देती हूँ। तो इसमें ऐसे करके ये नोज रिंग होता है और साथ में आपको ये यू कर ये मिलता है, तो आप इजिली लाइक अपने नाक में फंसा सकते हैं इसको, अगर आपका नाक नहीं छिदा हुआ है, तो बहुत ही प्रिटी है ये, और इसके पीछे आपको ऐसे देखने को मिलता है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारे नोज स्टड, बहुत ही प्यारे और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में, एंड ये एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है, बट मेरे को यही वाला डिजाइन पसंद आए थे तो इसलिए मैंने ये वाला बाय किया था। 12 पीस का सेट है, तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे पेंडेंट की तरफ। तो ये वाला पेंडेंट मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, एज यू कैन सी है, बहुत ही प्रिटी पेंडेंट है, ये सिल्वर कलर का है, तो इसमें आपको सेंटर में मिरर डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी और घुंघरू लगे हुए दिखने को मिल जाएंगे, और इसकी लेंथ भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, एज यू कैन सी है, मैं आपको पहन कर दिखा देती हूँ। तो लेंथ इसकी बहुत ज्यादा प्रिटी है, और इतनी लेंथ का आपको आता है, तो आपको कोई भी कुर्ती पहननी है, साड़ी पहननी है, तो उसके साथ ये बहुत ही प्यारा लगता है, सिल्वर कलर का है और घुंघरू वाली डिटेलिंग है, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला पेंडेंट,
और ये मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैंने सरोजनी नगर मार्केट से बाय किए हैं। तो अगर आपने मेरा पुराना सरोजनी नगर हॉल नहीं देखा है तो इधर पे मैं आपको ये एथनिक ज्वेलरी दिखा देती हूँ जो मैंने सरोजनी नगर दिल्ली से बाय किए हैं। सो फर्स्ट में मैं आपको ये बहुत ही प्यारी झुमकीज दिखा देती हूँ सिल्वर कलर की। तो मैंने गोल्डन वाली झुमकीज आपको ऑलरेडी दिखा दी है, तो मेरे पास कोई सिल्वर स्मॉल झुमकी नहीं थी तो इसलिए मैंने ये वाली बाय की है। जो जीन्स के साथ कोई कुर्ती पहनो तो उसके साथ आप ये पहन सकते हो, बहुत ही प्रिटी है। एंड इसमें बहुत ही प्यारा ये मोर वाली डिटेलिंग है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। एंड ये मुझे सिर्फ 30 रुपीज के सरोजनी नगर में मिल गई थी, लाइक कैन यू इमेजिन फॉर जस्ट 30 रुपीज। तो बहुत ही प्यारा ये इयरिंग है। तो इसके जैसे कोई सिमिलर प्रोडक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक कर दूंगी। एंड अगर मेरे को यही वाला कहीं ऑनलाइन मिल जाएगा तो मैं वो भी लिंक कर दूंगी नीचे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन कड़ास के बारे में जो अगेन मैंने सरोजनी से बाय किए थे। तो ये 50-50 रुपीज के कड़े थे और मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गए थे। तो पहले हम इस वाले की बात करते हैं। तो इसमें बहुत ही प्यारा ये घुंघरू वाली डिटेलिंग हो रखी है और बहुत ही प्यारा कड़ा है ये सिल्वर कलर का, बट ये ओपनेबल कड़ा है तो आपके किसी के भी हाथ पे ये बहुत ही प्रिटी लगेगा और बहुत ही सही लगेगा। इनफैक्ट लाइक मैं अपनी मम्मी को भी पहना सकती हूँ ये वाला कड़ा। तो बहुत ही प्यारा ये ओपनेबल कड़ा है और बहुत ही प्यारे इसमें घुंघरू लगे हुए हैं। एंड मेरे पास हाथ में पहनने के लिए कुछ लाइक था नहीं एथनिक, तो इसलिए मैंने ये कड़ा बाय किया। और इसके जैसा मैं कोई सिमिलर प्रोडक्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक कर दूंगी, क्योंकि ये वाला तो इजिली मिल जाएगा मुझे ऑनलाइन, तो आप भी वहां से देख सकते हो प्राइस के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट मैं बात करूंगी इस कड़े के बारे में जो स्पाइरल कड़ा है, और इसमें ये बहुत ही प्यारी शेल वाली डिटेलिंग है, एज यू कैन सी है। कलीरे में होता है ना ये शेल वाली डिटेलिंग, वो वाली डिटेलिंग है, और बाकी ये राउंड स्पाइरल वाला कड़ा है। और इसमें नीचे ये बहुत ही प्यारे घुंघरू वाली डिटेलिंग है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। तो ये अकेला ऐसा कड़ा मेरे को उधर दिख रहा था कि ये वाला लेना तो बनता है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारे ये शेल्स लगे हुए थे। तो जैसे मेरी नजर इस पे पड़ी मैंने फटाफट उठा लिया कि ये वाला तो मैं डेफिनेटली लूंगी। तो इसके जैसा भी कोई मैं सिमिलर प्रोडक्ट आपको नीचे टैग कर दूंगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। और इसको इजिली लाइक ऐसे स्पाइरल कर पहन सकते हैं, लाइक एज यू कैन सी है, बस इतना इजी से पहनना और बहुत ही प्यारा लगता है हाथ में। तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया था। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट लगा और आपको ये वाला कड़ा पसंद आया या नहीं आया। सो या तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस हॉल की लास्ट ज्वेलरी की तरफ। तो एज यू कैन सी है, ये वाला पेंडेंट मैंने बाय किया है सरोजनी नगर से, और ये बहुत ही प्यारा पेंडेंट है, कलरफुल पेंडेंट है। तो सिल्वर वाला पेंडेंट तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो मुझे अब कुछ कलरफुल डिटेलिंग चाहिए थी इसलिए मैंने ये वाला पेंडेंट बाय किया है जो बहुत ही प्यारा है। और इसमें ऐसे कुछ घुंघरू टाइप डिटेलिंग देखने को मिल रही है, बहुत ही प्यारा सिल्वर कलर का ये पेंडेंट है। ऑक्सीडाइज नहीं है, प्योर लाइक सिल्वर जैसा कलर का है और बहुत ही प्रिटी पेंडेंट है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो ये थे मेरी कुछ लास्ट की ज्वेलरी जो मैंने सरोजनी नगर से बाय की थी। एंड बाकी वाली जो ज्वेलरी है वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइट से बाय की है, तो उन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या कमेंट सेक्शन पे मिल जाएंगे, तो आप इजिली शॉप कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें आपको आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा लगा। साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो, रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर सकते हो, और उसी के साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर सकते हो, ताकि आप मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाओ। और नेक्स्ट में मैं जल्दी ही आपके लिए एक और लहंगा हॉल लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो या दैट्स इट, सी यू गाइस टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।